और हदीस पाक सुनो ते बात मुकाइये। नबी पाक फरमा देने इजा मातल इंसान इन कतान हुआ मलहूम। आप फरमा देने जदो बंदा फौत हो जांदा है दुनिया नाल इहदा नाता टुट जांदा है इहदा तालक टुट जांदा है। आप फरमा देने जिन्ने भी अमाल हुंदे ने उहदा तालक खत्म हो जांदा है ना। लेकिन तीन नेकियां ऐसियां हुंदियां ने तीन माल ऐसे होंगे ने जिदा मर जान तो बाद भी बंदे नूं सवाब मिलदा है। मर जान तो बाद भी बंदे दियां नेकियां खत्म नहीं होंदियां। आप फरमांदे ने सदका तिन जारिया अपने हथी अपनी जिंदगी च ऐसा सदका कर गया ऐसा सदका कर गया एदे मर जान तो बाद लोग ओहदे तो फायदा उठा रहे ने। आप फरमांदे ने एक कबर च पिया है ते अल्लाह नूं सवाब दी जा रहे ने। जिस तरह बोर हो रहा है पंप लग रहा है कोई इस तरह का कितने पानी का इंतजाम कर दिता है मस्जिद बनवा दी है या किसी जगह से पंप लगवा दिता है नलका लगवा दिता है राजा ने मुसाफिर पानी पी रहे ने या कितने शायद का इंतजाम कर दिता है लोग बैठ के शायद तो फायदा उठा रहे ने। ऐसा को काम करके है मस्जिद च पंखा लगवा गए हैं पंखा चल रहे हैं अल्लाह की कबर अंदर जन्नत वालों हवा पहुंचा रहे ने। फरमाया सदका जारी कर गए हैं जेड़ा सदका लोगों नूं फायदा पहुंचा रहे हैं। आप फरमांदे ने एक कबर अंदर पे है अल्लाह नूं उत्थे सवाब पहुंचाई जा रहा है। औ वाला दिन साले या नेक औलाद छोड़ गई है नमाजी औलाद छोड़ गई है। औलाद नेक होवे नमाजी होवे इहदे वास्ते नाम लैके दुआ ना भी करे सिर्फ आके नमाज पढ़े नमाज पढ़न दे नाल हालांकि औलाद दे चित ख्याल च भी नहीं बाप दा सेन च भी नहीं मां दा सेन च भी नहीं नमाज पढ़िए। आप फरमांदे ने ऑटोमैटिकली तौर ते नमाज पढ़न दे नाल औलाद अगर नमाज पढ़े तो अल्लाह वालिदैन नूं कबर अंदर सवाब अता फरमान। इब्ने माजा दी रवायत एक बंदा फौत हो गया कबर च पिया ते अचानक ओहदे दर्जे बुलंद हो गया रब नूं कहिंदा या अल्लाह मैं तो ऐसिया नेकिया ही नहीं कीतिया जिदी वजह तो मैनू इतना मुकाम दिता ही इतनी शान दिती हो। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी औलाद छोड़ के आया ना अज तेरी औलाद ने पढ़िया रब्बाना फिरली वाली वाली दैया अज तेरी औलाद ने तेरे वास्ते दुआ कीती है असी तेरे दराजात बुलंद फरमा छड़े ने। इस वास्ते मेरे भाईओ औलाद का भी कुछ ख्याल करो उन्होंने नमाजी बनाओ दीन आले पासे ले आओ कुराने पाक का तर्जमा पढ़ाओ। ऐसा ना होए तू दुनिया तो चला जाए औलाद बेनमाज होवे औलाद कुरान तो बागी होवे मुसीकी दी रसिया होवे शराबी कबाबी होए ऐसे इंसान वास्ते कबर अंदर आखरत अंदर औलाद वाले जान बन जाएगी। ऐसा इंसान जरा नेक औलाद छोड़ गया है कबर अंदर पे है औलाद नमाजा पढ़ रही है अल्लाह इनू कबर अंदर सवाब अता फरमाई जा रहा। और तीसरी बात औ इल्म युन्तफाउ बिहिन्नास ऐसा इल्म छोड़ गया है किसी नूं कुरान पढ़ा गया है तर्जमा पढ़ा गया है हदीस पढ़ा गया है इल्म सिखा गया है हुण अगे ओहदे कोलों लोग इल्म सिख रहे ने लोगों नूं फायदा हो रहा है। यह सिलसिला इस तरह चलता जा रहा है कयामत तक जारी रहेगा यह सिलसिला खत्म नहीं होना। आप फरमाते ने जिन्नी देर यह सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह इनू कबर च सवाब पहुंचाई जाएंगे। इलम पढ़ा गए हैं या किसी तालिब इलम की ऐसी हेल्प कर गए हैं मसलन किसी नूं किताबां लैके दे दित्तियां किसी तालिब इलम दे वसायल उठा लै खर्चा उठा लिया किसी मदरसे अंदर कोई ऐसा तामन कर दिता जिदे तो तालिब इलमां नूं फायदा हो रहे हैं और वो फायदा उठाने तो बाद फिर अगे दीन पहुंचा रहे ने। आप फरमाते ने इहदे इस अमल की वजह तो लोगों नूं इलमी तौर पर फायदा हो रहा है लोगों नूं दीनी तौर पर फायदा हो रहा है एक कबर अंदर पे है अल्लाह नूं सवाब पहुंचाई जा रहा है। इस वास्ते
इंज दियां भी कुनेकियां करनियां चाहीदियां ने। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਕੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਬਰ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आसमान वाला खुदा राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। बंदा दुनिया तो जा रहा होवे, जग भी राजी होवे, रब भी राजी होवे। अल्लाह पाक सानू ऐसियां नेकियां करन दी तौफीक अता फरमाए।